का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 फरवरी को संपन्न हुए फिजिक्स का इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहता है 4 डायोप्टर है, उसको आप फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी आप जानते हो P इक्वल टू होता है 1/F या फिर F इक्वल टू 1/P, ठीक है। 1/P 1/4 यानी कि 0.25, और ये मीटर में आएगा, ध्यान रखिए मीटर में होता है वो, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, बार बार पता नहीं क्यों पूछ रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए पूछता है वो, ठीक है। और ये आपके कहीं NCERT में मेंशन है नहीं, तो इसको आप याद रखिएगा, मैंने काफ़ी डिटेल में अपने क्लास में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इसको मैंने प्रूफ भी किया था बहुत सारे तरीकों से, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। वॉलेट में से आप रेट को घटाइएगा, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वॉलेट का ज़्यादा डेविएशन होता है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी ज़्यादा होता है, रेट के लिए कम होता है, तो नहीं तो उल्टा घटा लोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। येल्लो मीड वाला होता है, येल्लो -1, ये आपका वन विक्षेपण क्षमता डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन, इसके लिए न्यूमेरिकल बन गया क्या? इसके लिए जो फॉर्मूला आप जानते हो लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/F इक्वल टू -1/R1 -1/R2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए लेंस का दे रखा है, यहाँ पे 2 ये होता है, 1 इधर इधर होता है, ये आपको पता होगा। तो ये तो दोनों में आ जाएगा, दोनों का रेशियो निकालना है आपको, क्वेश्चन देख ही रहे होंगे आप लोग, दोनों का रेशियो निकालना है तो वो निकाल लोगे। ये तो कट ही जाएगा, बस ये सब टर्म कट जाएगा, बस ये बचेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/, अगर एयर में निकाल रहे हैं, ठीक है, एयर में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, तो कहता है यहाँ पे आपका N2 आएगा, N2 किसका आएगा भाई, तो एयर का तो 1 ही होता है, ठीक है। और अब सबसे पहले सॉरी N2 आएगा, N2 मतलब लेंस का पहले आएगा, तो आएगा 3/2, और एयर का कितना होता है तो 1, तो वो आ जाएगा -1, ठीक है। नीचे क्या आएगा जी, तो नीचे आएगा 4/3, ठीक है, पानी में आ गया है, तो ये आपका 3/2, फिर से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। फॉर्मूला आप मेंशन कीजिए, कई गलतियाँ हो जाती है बार बार, N2 -N1, ठीक है, -1/R2 -1/R1, R1 -R2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये R1 R2 तो कट ही जाएगा जब आप डिवाइड करोगे, तो एफ ऑफ ए पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो बस इसी टर्म को रखना है। तो N2 जो होता है लेंस का मटेरियल होना चाहिए, और N1 इधर वाला होना चाहिए, तो इधर वाला क्या है, मतलब लेंस का मटेरियल आपको 3/2 दे रखा है, तो 3/2 दो, और पहली बार में तो एयर में कर रहा, तो एयर का नीचे से डिवाइड कर देना है 1 से -1, और अगली बार क्या है भी? तो फिर अगला बार लेंस का मटेरियल कौन है, तो लेंस तो वही है 3/2, पर बाहर वाला मटेरियल जो हो गया वो पानी हो गया, तो इसको डिवाइड कर देना 4/3 से, तो 4/3 ऊपर चला जाएगा -1, ठीक है। तो जो जो कट रहा है उसको काटिए, ठीक है, तो नीचे आ जा रहा है, ऊपर आ 3/2 -1, और नीचे आ जा रहा है आपका 3 * 9 और 8 -1, ठीक है। तो 3/2 और नीचे आ रहा है, जब घटाओ उठाओगे तो -1 करोगे तो ऊपर आ जाता है 1/2, और नीचे आ जाता है, ठीक है, 1/8, ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। तो 2 से ये कट गया, 4 बार में कट गया, ऊपर चल जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे आप इसको, ठीक है, डिवाइड करोगे आप इसको तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा 4FA, खुद से कर लेना इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बन ही जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अगर नहीं भी बनता तो कौन सा दिक्कत वाला चीज़ है भाई, आपके पास ऐसे भी आपको 50% ही क्वेश्चन करने हैं, तो एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बाकी सर क्वेश्चन तो बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। रिलेजियन स्कैटरिंग का फॉर्मूला है सीधे सीधे, ठीक है, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ये बच्चा वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1.6 × 10⁻¹⁹ ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जी, -19 वाला, डी ना, हाँ ठीक है। हाँ बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि भाई हो सकता है जल्दीबाजी में किसी वीडियो का मैं आंसर गलत बता दूँ, तो वो करेक्शन जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में दिया रहेगा, अगर गलती से मुझसे कहीं कुछ गलती हो जाए, ऐसे मैंने चेक कर लिया सारे आंसर्स वगैरह सही हैं, 100% सही है, जो यूट्यूब पे और भी वीडियो डले हुए हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, और गलती मैंने 1-2 को नहीं, 60% 70% क्वेश्चन गलत है, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा व्यू है, ठीक है, 13,000, 12,000, 13,000, 31,000, 32,000 जैसा व्यू है, उसका इतना सारी गलतियाँ हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा,
ठीक है, इसका देखिए आपको कार फॉर्मूला पूछा गया सोडियम का वर्क फंक्शन, सोडियम का वर्क फंक्शन कितना होता है जी, तो ऑप्शन बी 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप बुक से चेक कर सकते हो, इसका आंसर गलत बता रखा उसने, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना तो ए में से जेड घटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, कह रहा है कि इसमें आप बताइए कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग साउंड वेव विद्युत चुंबकीय तरंग थोड़े ना है ये, ठीक है। कह रहा है हीरा का पारदर्शी माध्यम में हीरा का के लिए क्रांतिक कोण का मान बताना है आपको, क्रांतिक कोण का मान, तो कहता है इसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, इसी कारण तो सब ज़्यादा चमकता है ये, क्रांतिक का कम होने के कारण ही ना बताया था कि इसका जो ब्रिलियंसी होता है इसी कारण होता है, क्योंकि एक बार लाइट इसमें चला जाएगा तो जिसका ढेर बार TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, और बार बार होगा तो वो टकरा टकरा के ढेवा टकराता लाइट उसमें चौथा से घूमता रहता है, इसलिए वो इतना चमकता है। तो डायमंड के साथ यही खासियत है, डायमंड वाला मैंने बताया भी था पिछले बार कि इंपॉर्टेंट होता है ये, याद रखना, पिछले बार भी आया था फिर भी से आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता ही दिया था। करा फोटोन की ऊर्जा कितना होता है, तो E=hν, प्लैंक का नियम, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये पूछा गया आपका कि अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जी, तो V0/μ0, ठीक है, बाकी सब वीडियो में इसको बता रखा है, गलती है वो, ठीक है, ये आंसर हो इसको चेक कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, कहता है कि भैया स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई वोल्टेज बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है, तो इसमें सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये शांति फिजिक्स क्लास है, मेरे कोचिंग का नाम है, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस ये मेंशन है, जिस बच्चे बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा क्लासेज को। अगला क्वेश्चन आपको कहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणित प्रतिधात कितना होता है जी, तो ये भी गलत ही लोगों ने बताया, सुन बना बता रखा है उसमें वीडियो में, इसका ω/12 का सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको NCERT की बुक में ही मिल जाएगा ω/12। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका बोला गया है, ये क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, कह रहा है धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा जी, तो NIA वैक्टर, ये आपका होता है, ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना, इसका आंसर गलत बता रखा है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जी, तो कहता है शक्ति व्यंजक बताना है आपको, अल्टरनेटिव पावर का आपको रियल एवरेज पावर का फॉर्मूला बताना है, एवरेज पावर का फॉर्मूला ये होता है ERMS IRMS cos φ, ठीक है, लोगों ने इसको बता रखा है, अरे कम से कम तो डायमेंशन वगैरह तो चेक कर लो, डायमेंशन फॉर्मूला तुम लोग क्या जानते हो पावर फॉर्मूला, V2I तो भी तो रहेगा ना, आई रहेगा कुछ, उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है कॉन्स्टेंट टर्म, नहीं तो ये तो फॉर्मूला ही, तो डायमेंशन ही गलत है, तो बिल्कुल गलत है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, तो मिला भी सकते हो किताब में, कोई बड़ा चीज़ है नहीं, तो क्या मैं समय पर बात करूँ, इसका भी आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, किसी ने बताया यूट्यूब पर पागल आदमी आता जाता कुछ नहीं, वीडियो पर वीडियो बनाना चला गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर R/Z, ठीक है, R/Z होता है, इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, सिंपल फॉर्मूला है, आपको NCERT का बुक खोलिएगा मिल जाएगा। LR सर्किट का कलांतर बताना है, कलांतर मतलब इसका फेज, इसका भी आंसर मतलब सारा आंसर ही गलत दे रखा है, क्या बताएं इसमें, फेज डिफरेंस को मैं प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे एल वाला ऊपर रहता है तो ये आपको ये वाला एंगल बताना होता है, ठीक है, तो नीचे आर है, ये आपका ये वाला जो आपका ओमेगा एल होता है, तो आपको टैन इनवर्स करके ये आपको फाइव निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो ये होगा टैन इनवर्स ω L/R, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये शायद आपने पता नहीं मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसको नहीं भी पढ़ाया तब भी इसके बारे में जिक्र हुआ है, तो आप निकाल सकते हो इसको, फेज डिफरेंस इन LR सर्किट टेन इनवर्स ω L/R, ठीक है। अगला ट्रांसफॉर्मर का परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात ये क्या है, इंग्लिश पढ़ो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, क्योंकि कोई भी रेशियो ऐसा चीज़ें निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आउटपुट कितना देता है और इनपुट इसका कितना दिया जा रहा है, तो आउटपुट कहाँ देते हो, आउटपुट कहाँ मिलता हो सेकेंडरी पर, और इनपुट कहाँ देते हो प्राइमरी पर, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। वोल्टेज कितना उसको मिल रहा है और कितना तुमने दिया है, कितना से कितना दे रहा है, वही तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसका, ठीक है, कॉमन सेंस ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं यार, ठीक है। आगे चलते हैं, RC का विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो ये हो सकता है ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, RC का ये जो ये ट्रांजिस्ट रिस्पॉन्स टाइम पूछा है इसने, ठीक है, ट्रांजिस्ट रिस्पॉन्स टाइम ये पूछा गया, τ = होता है R × C, RC सर्किट के लिए होता है ये, तो ये टाइम का ये है, टाइम है ये, ठीक है, RC, तो टाइम का जो होगा वो होगा क्या भाई, तो इसका डायमेंशन होगा m/0, l/0 और t/-1, सॉरी टाइम वन वन थोड़ा ना, माइनस वन थोड़ा ना, वन ना टाइम का है ना, तो वन होगा, कौन सा ऑप्शन है जी, तो कौन सा ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला आपका ध्रुव सामर्थ्य, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, उसका SI मात्रा कौन सा होगा जी, तो एम्पियर मीटर, तो ऐसा ध्यान रखना, जल्दी बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।
21 का फॉर्मूला आपका ये, आप इसमें तो ये भी आसान सा फॉर्मूला है क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो। पी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट बी, ठीक है, उसी में से क्या आएगा जी, तो उसी क्या मैंने गलती मार दिया, साइन थीटा है जी, ये 1 - cos θ होगा, गलती मार दिया मैंने, सी होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एम बी कॉस थीटा। अब ये चेंज की बातें कर रहा है तो 90 डिग्री पे जानबे करते हो, 90 डिग्री पे बातें करता है, ठीक है। तो एक 90 डिग्री जब होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, दोनों को घटाना है आपको एनर्जी, ठीक है, एनर्जी घटाना है तो एक और एक जो है यहाँ पे रहेगा तो 0 होगा, यहाँ पे रहेगा तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 1 में से कुछ घटाना है जब एंगल पे कुछ आएगा तो, ठीक है। तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी को घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बटन निकल के आ जाएगा। तो ऐसे तो फॉर्मूला ही तुम्हें याद होगा, सी ऑप्शन। जल्दीबाजी में साइन मैंने नहीं देखा तो वो ऊपर टिक कर दिया, तो ये जल्दीबाजी में हो सकता है। इसलिए आवर्धन क्षमता है ये मैंने बताया भी था, गेस भी किया था कि क्वेश्चन आने वाला है सिंपल माइक्रोस्कोप को, ये भी मैंने बता दिया सिंपल माइक्रोस्कोप का हो सकता है फॉर्मूला आ जाए, हो सकता है डेरिवेशन आ जाए, तो फॉर्मूला ही आया है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा जी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 22 का ये आपका प्लस वाला होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, ए नहीं होगा, बी होगा, ध्यान रखिएगा, माइनस की जगह गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये तो बचपन से पढ़ते हो क्लास 10 से, संपर्कित लेंस इन कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला, तो भाई तो P1 + P2। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है, जो ऊपर आता मैंने बताया भी था कि ऊपर वाला को ऊपर लिख देना है, नीचे वाला को नीचे लिख देना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो कहाँ है, तो ओमेगा वाला कहाँ है, 4/3/3/2, ठीक है, काट कूट कर लो, 8/9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तो जल्दी हम लोग करते हैं, ये तो याद रखना है आपको, लगभग 42 डिग्री करीब होता है कांच का क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, ठीक है। अगला है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या है, रहती है तो अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव होता है, जानते करते हैं तुम लोग, ट्रांसवर्स वेव मानते हैं। इसका भी आंसर दे रखा है, इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है, ए बता रखा है उसने, सी आंसर होगा, या चेक कर सकते हो, फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। ये भी आपका ऑप्टिकल लेंथ जाहिर सी बात है, जो होता है ये जो सिंपल लेंथ होता है उससे ज़्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्टिकल लेंथ जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द लेंथ ऑफ पाथ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी गलती कर रखा है, ये तो बचपन से जानते हो आप कि अक्षीय पर ज़्यादा होता है, अक्षीय का डबल होता है, मैग्नेटिट्यूड उसका मैग्नेटिक फील्ड का हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, इलेक्ट्रिक डायपोल में जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक डायपोल में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैंने बता ही रखा है, 29 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला ये बन पाया था तुम लोगों से, ये भी बता बहुत आसान है। अब हिलसा जैसे क्लास में कोई टीचर प्रोहिबिट नहीं करता है कुछ, वरना हमने 11th में ही पढ़ा रखा है सबको, ठीक है, ये सब निकालने के लिए, ठीक है, कि कोई भी फोर्स लगता है, SHM पढ़ा होगा, मैंने SHM पढ़ाते हैं उसी पर पढ़ाते हैं, कोई भी फोर्स लगता है SHM में रीस्टोरिंग फोर्स, तो वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। SHM का नियम ही है कि वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहेगा, तभी जाके SHM हो रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स किसको होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर टॉर्क आ रहा है, ठीक है। तो टॉर्क जो होगा, टॉर्क कितना होता है, तो एम क्रॉस बी, ठीक है। तो टॉर्क होगा वो होगा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा जी, तो कहता है वो डिस्प्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होगा, तो ये होगा आई स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कर लो, इसको लिख लो एम पी साइन थीटा, हो सकता है मैंने क्लास में करवाया भी हो, नहीं भी करवाया तो देख लीजिए, ठीक है। ये होगा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा से थीटा कट गया, थीटा से साइन थीटा पूरा कट जाएगा, क्योंकि थीटा जो होता है वो स्मॉल एंगल्स होता है, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, इसको मैं काट सकता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जी, तो ओमेगा स्क्वायर होता है एम बी बाई आई, ठीक है। ओमेगा क्या होता है जी, तो ओमेगा होता है 2π/T, तो 2π/T आप यहाँ पे पुट करो, सोल्व करो, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। उसने ए बता रखा है, एम को हटा रखा है उसने, तो बी ऑप्शन होगा। तो बहुत सारी गलतियाँ कर रखा है, सेम क्वेश्चन ये रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया आपको, फॉर्मूला ही देख लो, ये क्या है, टाइम पीरियड का जस्ट इन्वर्स होता है ना, तो इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे देख ही रहा हो कि टाइम पीरियड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है तो 1/BHK रूट के, ठीक है। रूट हर में इधर से रूट हटा के मैं क्या कर देता हूँ, इधर स्क्वायर लगा देता हूँ, तो ये 1/F ना हो जाएगा, F का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/BHK, ठीक है। यानी F स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाए, तो BHK, दोनों क्वेश्चन एक ही था, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता दोनों क्वेश्चन बना रहे, एफ एन फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे एन स्क्वायर किससे प्रोपोर्शनल होगा जी, तथा BHK डायरेक्टली, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट लॉ ही है, NCERT मेंशन भी नहीं है NCERT की बुक में, तो जाहिर सी बात है ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा रहता है, इतने सारे क्वेश्चन दे रहा है तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, और भी आसान क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन इसका सही है। टेंजेंट लॉ है वो है B = BH tan
थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो भाई रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी सिंपल सा फॉर्मूला है। रिलेटिव रिलेटिव मतलब किसी का रिलेटिव कैसे निकालता है, जिसके रिलेटिव निकाल रहे हो उसे डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है यार, ठीक है। किसी ने ठीक पता नहीं क्या क्या कर रखा है, कौन सा समस्या है। तो आपको नेट मैग्नेटिफिक निकालना होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का ऐड करोगे, ये तो वेक्टर का सम निकालना है बस आपको, ठीक है। ये वेक्टर का सम निकालना है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई, तो ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवा रखा रहता है क्लास में, कि पता नहीं क्यों बार बार पूछ रहा है इसको। ये आपका सी का फॉर्मूला होता है, सी ओ स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 36 नंबर का फॉर्मूला क्या है भाई, तो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यानी फोर्स बाई चार्ज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको याद रखो यार, पता नहीं बार बार पूछ रहा है, पिछली बार दो क्वेश्चन पूछा था इससे, उसने गोलीय संधारित्र की धारिता पूछा है, किताब में मेंशन है नहीं कहीं पे, क्वेश्चन पता नहीं कहां से लाता है, ठीक है। तो ये संधारित्र की बात कर रहे, गोलीय की बात कर रहा है, तो गोला कैसा गोला, ऐसे गोली की बात कर रहा है, ऐसा गोला मतलब खोखले गोली की बात कर रहा है, जिसका ये आर दे रखा है ये वाला, और बड़ा वाला ये दे रखा है आर, तो इसका संधारित्र का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। बाई सिमेट्री ऐसे भी तुम देख सकते हो कि दोनों घटाना है, क्योंकि भाई अभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि खोखला गोला है वो, और आर क्या है, आर क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई हम लोग थोड़ा सा दिमाग से लगा ही सकते हैं कि क्वेश्चन अगर पढ़े होगे, फॉर्मूला पढ़े होगे, तो पता होगा कि भाई बड़े वाले में से आर को घटाना पड़ेगा, खोखला गोला है, जैसे वाला तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन, ये अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, फॉर्मूला वो तो न्यूमेरिकल था, या फॉर्मूला पूछ दिया है, म्यू वन बाई म्यू टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ गया, बी ये ऑप्शन नंबर बी, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक का उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, जानते ही होते हैं वो तुम। देखो खगोलीय दूरबीन मैंने गेस किया था, खगोलीय दूरबीन यही कि मैंने डेरिवेशन गेस किया था, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, ठीक है। एफ ओ बाई एफ ई माइनस नहीं होगा, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, एफ ओ बाई एफ ई, ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगर चलते हैं हम लोग, कहता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है भैया, तो कहता है डिस्पर्सन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। अरे होता तो सब चीज़ है, पर मेन जब तक रंग टूटेगा नहीं बच्चा लोग, तो इंद्रधनुष कैसे बनेगा, तो डिस्पर्सन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। नहीं चलते हैं, ये देखो बार बार मैं पूछता हूँ कि बार बार क्वेश्चन देगा, आप साइन नॉट का वैल्यू पूछा उसने, ठीक है, निर्वात के प्रवैधतांक का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कितना होता है 8.85 × 10⁻¹⁰, कितना होता है जी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। 10⁻¹² होगा, −12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कमेंट सेक्शन आप लोग बता दीजिए, बार बार तो एक ही क्वेश्चन आता है। तो विद्युत ध्रुव का ऐसा ही मात्रा इस बार सही दिया है, यह कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर है। पिछले बार सीएम लिख दिया था, ठीक है, स्मॉल सी लिख दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन ब्लंडर कर रखा है, ठीक है। देखो ब्लंडर ये है कि यहाँ पे वेक्टर से मल्टीप्लाई है, तो नीचे आर क्यू हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। सही भी लोगों ने ये ऑप्शन सी ऑप्शन को सही कर रखा है, लेकिन इसका ऑप्शन है ए सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि किसी चालक की धारिता कितनी होगी भाई, तो धारिता के वाला फॉर्मूला बताइए कि भैया धारिता होता है कि भाई यूनिट वोल्टेज पे, यूनिट वोल्टेज चेंज पे कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, ये होता है उसकी धारिता, यही उसका डेफिनेशन होता है। किसी भी कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन होता है कि भाई वो कितने वोल्टेज, बिना वोल्टेज इंक्रीज किए कितना ज़्यादा चार्ज अपने ऊपर रख सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्यू आई वी, ठीक है। ये देखो एनर्जी सेम, कितने सारे कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछा है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट टिकर वाला रखा था, ठीक है। इसके बाद बताया कि वह ढेर सारे संधारित्र हैं, एन संधारित्र जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ समांतर रेसिस्टेंस वाला जो पैरल वाला है वो सीरीज में लगता है यहाँ पे कैपेसिटर में, ऐसा सीरीज वाला उसके पैरल में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे सीधे सब जुड़ जाएगा, ठीक है। अगला है 49, ठीक है। वायु का इसने पदार्थ का सामर्थ्य पूछा है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा, ये डेटा आपको किताब में दिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको दे देता है तो अब क्या करोगे, कितना याद रखेगा आदमी। तो वोल्ट पर मीटर होता है, या भी ये भी याद रखना है आपको, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का 3×10⁶ वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अगला ये तो आइंस्टीन का इक्वेशन है यार, इक्वल टू MC², क्या इसे पूछेगा। अगला इसको द्विधारी को बदलना है, मैंने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी देगा, ठीक है। 8 जो जो गेस करते हो वो देता है यार, उसके बाद भी तुम नहीं बनाते हो, तो बता रखे हैं आप कितना बताएं कि चीज़ को, इस प्रकार से क्या करना रहता है आपको, सॉरी इस प्रकार से लिख देना होता है 1000 और टू द बेस 2, ये बेस है, इसको पता नहीं क्या पढ़ रहा था वो,
ठीक है। हाँ ये मेरा स्कूल है, नया वाला स्कूल, ठीक है। अपने छोटे भाई बहनों को भेजना जो करीब में है इसको पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने के बाद हम लोग नैंड गेट का संकेत क्या है जी। तो नैंड गेट का संकेत ये है, नैंड गेट इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अर्धायु काल हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या है जी। तो लेमडा 0.693/λ ये बना ना, ठीक है। 0.693 पता नहीं लगता है कौन सा है जल्दीबाजी में, ठीक है। अल्फा कण क्या है जी। तो अल्फा कण हीलियम का न्यूक्लियस होता है, कितनी बार बता रखा है मैंने, नहीं चलता है, चलते हैं इसको देखिए। सारे सेमी फॉर्मूला तो कुछ गड़बड़ कर रखा है, देखो पहले तो ये 8 आना चाहिए, देखो सब में गलती गलती कहाँ पे, इसमें 8 होना चाहिए, तुमको लगता होगा कि याद रहेगा तभी बनेगा, अरे कोई जरूरी नहीं है। 8 है तो 4 तो 6 हो रहा है, ठीक है। इसमें 8 लाना है तो 9 और 4 जोड़ रहा है, इसमें 4 4 8 हो रहा है, तो लेकिन यूरेनियम दोनों तरफ लिख रखा है। अरे जब ये यूरेनियम है तो सर ये भी 2 3 4 में यूरेनियम रहेगा, तो एक ही बचा ऑप्शन कौन, बी ऑप्शन थ्योरियम वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, देखो इसमें ही ब्लंडर कर रखा है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला तो पढ़े ही हो बायो सबस, लेकिन ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे आर कैप है, आर कैप होगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही होगा, अगर आर वेक्टर कर देगा यहाँ पे तब जाके आर की हो सकता है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझने के बाएंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा पृथ्वी के सरफेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो ये करीबन होता है 10^-5 टेस्ला करीब होता है, बहुत कम होता है, उसने ऑप्शन लोगों ने गलत दे रखा है, बी ऑप्शन जो बता रखा हूँ गलत है, ठीक है। बी इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मात्र 1/10 टेस्ला है, समझ में आया, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होता है ये। देखो एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ऐसा होता है 665 और ये माइक्रो टेस्ला के करीब होता है, ठीक है। यानी इतना होता है 65 माइक्रो टेस्ला के करीब होता है, ठीक है। इसी को एग्जैक्ट वैल्यू इतना होता है 65 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, एक बार यही क्वेश्चन आया था, 14 नंबर क्वेश्चन, देखो 14 नंबर क्वेश्चन यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग क्वाइल, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग क्वाइल, देखो एक ही क्वेश्चन को उसने रिपीट कर रखा है, और क्या खोजते हो, खुश हो जाओ, 2 बार टिक करो 2 नंबर देगा, एक पढ़ते तो 2 नंबर आता, आता ना जी एक ही क्वेश्चन करके, इसको कहते हैं मजा। तो ये हाल पे ला दिया, ये एक ही क्वेश्चन को टेप रहा है, मैंने क्वेश्चन कम पड़ गया इन लोगों को, इतना क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, तो सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। अगला है आपका वोल्ट मीटर का नियतांक, ये होता है C/NAV, ठीक है। ये भी मैंने डेरिवेशन करवा रखा है क्लास में। आदर्श एमीटर होगा, उसका रेसिस्टेंस नहीं होता है, उसका रेसिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो बीबर होता है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लेंज का जो नियम है, लेंज का जो नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर रिलेटेड है। लेंज का नियम की कहानी माइनस आता है, ठीक है, वो माइनस जो आता है वो एनर्जी कंजर्वेशन को नोट करता है। अगला कहता है प्रेरित प्रतिघात, ये भी बार बार आया प्रेरित प्रतिघात, ठीक है। ओमेगा इन 12 होता है ना, ओमेगा होता है 2π हो जी एफ इन 12, ये होगा फॉर्मूला 2π f इन 12, ये वाला फॉर्मूला होगा, यानी इनके ए ऑप्शन, लोगों ने बी ऑप्शन दे रखा है वो गलत है, ठीक है। यानी यूट्यूब पर ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाना या ज़्यादा लोग देख लेने से सही नहीं रहता है। विद्युत तीव्रता बता पूछा है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, एक ही चीज है वो, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर होगा, देखो ये भी क्वेश्चन 2 बार आया, एक फॉर्मूला पूछा था जो था F/Q, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये भी दे दिए, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 64 ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं, ये धारा घनत्व क्या होगा, तो भाई चार्ज करंट बाई एरिया, ठीक है, करंट बाई एरिया होगा, चार आपका ये करंट डेंसिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये है आपका भाई कि कौन सा नियतांक, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला ये है, आपको याद होगा, ठीक है, ये तो बुक में देख सकते हो, ठीक है। ये होगा, ये सही बता रखा था 67 में, क्या ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, 1 वाट बराबर कितना देते, 1 वाट बराबर होता है 1 J/s, ये तो 6-7 के बच्चे पढ़ते हैं। नीले रंग का कलर कोड कितना होता है, ये तो वो होता है 6, ये भी किताब से देख सकते हो। एम्पियर घंटा, लोग इसमें कह रहे हैं कि एम्पियर घंटा किसका यूनिट होगा, अरे पगला कहीं का, एम्पियर मतलब आई इक्वल होता है Q/T, इसको समय से तुमने, यही ना है करंट, ये यही नहीं ना एम्पियर बोलते हैं, तो इसको अगर समय से मल्टीप्लाई करो तो चार्ज का यूनिट आएगा जी, चार्ज का यूनिट आएगा ये, तो बच्चा वाला चीज़ है, हर चीज़ थोड़ा ना पढ़ते रहेंगे यार।
लास्ट क्वेश्चन है कि भैया लॉरेंस फोर्स एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है, एफ इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत ही आसान था, ये मेरा कोचिंग है, पढ़ने के लिए आओ आप लोग, ये सब रिजल्ट था बच्चों का। अब क्या करोगे, जैसा बच्चे रहेंगे उस प्रकार से रिजल्ट देंगे, मेरा क्या मेहनत है इसमें भाई, बच्चे ही मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आपको आना है तो मेरे क्लास आ सकते हैं, क्लासेस शुरू है ट्वेल्थ का, तो आप लोग आना चाहिए। देखो बोर्ड एग्जाम तो आसानी होता है, क्वेश्चन भी आउट हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे पढ़ना चाहते हो, कंपटीशन लेवल का पढ़ना चाहते हो, तो बस फी आपका 5000 फी है, 5000 लगभग हर टीचर ले ही रहे हैं, और ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा कंपटीशन लेवल का पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बहुत सारे आप दाएं बाएं करके आ रहा है, लेकिन टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे का नंबर आ जाता है क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है उसके पास, लेकिन ये तो समझो कि बहुत सारी चीज़ तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। कितने सारे चीज़ इसमें था जो तुमको नहीं पढ़ाया गया है बताओ, बहुत सारी चीज़ें था, ठीक है, पैसा तुम्हें उतना ही लग रहा है, तो मेरे पास क्यों नहीं आते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो मेरे यहाँ आइए पढ़ने के लिए आप। नहीं चलते हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, चुंबकीय फ्लक्स पूछा है उसने, नॉट और नॉट गुड पर सब कुछ बता भी रखा गया है, ये भी बोल दिया गया कि इंपॉर्टेंट है, क्लास नोट से तो रहता ही है, उससे तो बाहर जा ही नहीं सकता है, खैर कि मैं पूरा चीज़ पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये सब क्वेश्चन मैंने टिक मार रखा है कि इंपॉर्टेंट है। आवेश सिद्धांत मैंने इंपॉर्टेंट मार रखा है, डीप एंगल मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टर्स इसको भी इंपॉर्टेंट कर रखा है, कलर कोड वाला पता नहीं क्यों देता रहता है यार, कलर कोड वाला याद रखना पड़ता है, पूछ दिया इस बार कलर कोड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने पढ़ा रखा था, तो बोला था कि ये देखो इतना चीज़ पढ़ रहे हो लेकिन आएगा सिर्फ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं, लॉरेंस फोर्स इंपॉर्टेंट मैंने टिक करवा रखा है, पोटेंशियोमीटर का दो का यूज लिखना है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है यार, यही सब आसान चीज़ तो है ये सब, ठीक है, पूरा पोटेंशियोमीटर का पूरा यूजेज को आपने उतना डेरिवेशन किया होगा, प्रतिरोध हम निकाल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, हम दो बैटरी के बीच का बैटरी का ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, मैंने पूरा डेरिवेशन कर रखा था, उतना डेरिवेशन में तुम ये भी याद नहीं रखो कि यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो शर्म है आपकी बात भाई पढ़ाई पे, ठीक है। उसके बाद इन नॉन पोजिशन बार बार पूछता है, अच्छी और निरक्षीय स्थिति, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट पूछा है, ये बचपन से जानता है डिस्पर्सन और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूरा क्लास नाइन्थ में हम पढ़ा लेते हैं, फिर से अल्फा किरणों का गुण आ गया, पिछले बार बीटा का आया था, इस बार अल्फा का आ गया, अगर एक्सरे का आएगा, इसी प्रकार से आता रहेगा बार बार वही क्वेश्चन। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, नहीं लिखाएंगे तब भी ये जीरो और एक से जो नंबर बना रहे हो बाइनरी नंबर सिस्टम कराता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डीप एंगल फिर से आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन आ रहा, क्लास टेंथ में पढ़ते हो आप लोग, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव ऑप्टिक में सबसे पहला चीज़ यही है, ठीक है, अभी संपर्क में रखे लेंसों का फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करना, ये क्लास टेंथ में हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। फिंज ब्रिथ का भी इंपॉर्टेंट टिक करा रखा है कि फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला ना जाके इस बार डेरिवेशन दे दिया, 5 नंबर में दे दिया, 2 लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे दाएं बाएं कर लेंगे हो जाएगा प्रूफ। ट्रांसफार्मर पूछा कर बराबर किया से भाई, उसमें भी है कि आपको ऑप्शनल भी है क्वेश्चन, तीनों करना, लेकिन सारा चीज़ करा रखा है ट्रांसफार्मर ने, खूब सारा डिटेल में लिखवा रखा था कि बहुत ज़्यादा इस पर पूछने का चांसेज है, बहुत ज़्यादा इस पर पूछ रहा है ट्रांसफार्मर के बारे में, पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। और ये देखो क्लास टेंथ का क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा में संबंध निकालना है, इसका डेरिवेशन वगैरह करना है, क्लास टेंथ में मैं बताता हूँ आप लोगों को। फिर से निरक्षीय स्थिति पर पिछली बार अच्छी आया था, इस बार निरक्षीय आया, यही सब आते रहता है, एक बार इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा, एक बार आपको एक्सियल प्लेन पे आएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा करता था, फिर गॉस का नियम, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ गॉस का नियम, उसको भी मैंने टिक करवा रखा है, कॉपी में जाकर देख लेना इंपॉर्टेंट, तब फिर से आ गया है, तब इंपॉर्टेंट टिक करा रहता है, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ तो पढ़ाता ही, उसके बाद भी इंपॉर्टेंट टिक करवाता हूँ, उसी से आता है क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ाना तो सारा चीज़ है ही, क्योंकि सिलेबस में सब कुछ पढ़ाना है, छोड़ के तो सब कुछ पढ़ाने का तुम पैसे देते हो, सब कुछ पढ़ाते हैं। तो ये था आपका, आपसे आग्रह है कि भैया क्लास व्लास आइए, मेरा स्कूल का भी प्रचार आप लोग कीजिए, ठीक है, स्कूल का एड्रेस वगैरह नीचे लिखा हुआ है, तो आइए वहाँ पर स्कूल के छोटे बच्चों के भेजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मेरे कोचिंग में भी आइए फिजिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहीं पर रखते हैं, ये आपको फिर से भाई सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ आए, वीडियो मेरा देखा, तो इस वीडियो का जैसे शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा, उन लोगों को भी लाभ होगा, वो लोग भी पढ़ेंगे सीखेंगे, बहुत सारे आंसर बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर गलत दिए हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।